आज हम ये वाटर टैंक रोबोट ब्रांड का लगाने वाले हैं, सेमी ऑटोमेटिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ समर्सेबल मोटर में ही सपोर्ट करता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे लगाया जाता है। इसके साथ हमें ये मैनुअल मिलता है और ये सेंसर है हमारा जो कि टैंक के अंदर जाएगा, और ये फाइनली हमारा एक यूनिट मशीन है यहाँ पे जो कि सेमी ऑटोमेटिक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ समर्सेबल मॉडल में सपोर्ट करता है, जो कि कॉन्टैक्ट बेस जो स्टार्टर होता है उसी में ये लगाया जाता है। तो हम इसे आज इंस्टॉल कर देंगे और देखिए कैसे कैसे इसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे दीवार पे टांग देंगे। इसमें चार होल होता है तो आप इसे कैसे भी टांग सकते हैं। तो ये स्टार्टर में हम कनेक्शन करने वाले हैं, तो चलिए फिर देखते हैं कनेक्शन कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहला फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कि लिखा हुआ है स्टार्टर आउटपुट। जी हाँ, जिसमें स्टार्टर आउटपुट लिखा हुआ है। तो ये अपना जो स्टार्टर का होता है पंप वाला सिस्टम, जिसमें कि पंप में तीन तार जाता है, एक रेड हो गया, एक येलो हो गया, एक ब्लू हो गया। तो कनेक्शन उसमें होना है, तो देखिए किस तरह से कनेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ये ब्लू और रेड का जो मार्क किया हुआ है उससे दो तार का टुकड़ा लेके यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, और फिर हम ये अपना स्टार्टर जो है उसे ओपन करेंगे, और इसमें जो मोटर को तार गया है, जी हाँ बिल्कुल, जो तार मोटर को गया है कनेक्शन उसमें होना है। किसमें होगा? तो रेड और ब्लू, जी हाँ, येलो को नहीं करना है, रेड और ब्लू में कनेक्शन करना है। तो जो तार पहले से लगा हुआ है स्टार्टर में, हम उसे लूज करके इसके साथ अपना जो तार आया हुआ है मशीन से इसे कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्शन बढ़िया से हो, लूज ना हो तो अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम कनेक्शन कर देंगे, इसमें फुल टाइट डाल करके कर देना है। तो हमारा ये ब्लू कनेक्शन हो गया है, बस इसे टाइट करना बाकी है। अब इसके बाद हम रेड में करेंगे, तो रेड को भी निकाल लेते हैं बाहर, और बाहर निकाल के अच्छी तरह से इसे जॉइंट करके फिर हम इसमें वापस डाल देंगे। और जो पीला वाला बच जाता है उसमें कुछ नहीं करना है, वो पीला वाला जैसे था वो ऐसे रहने देना है। तो इसी के साथ हम लाल तार जो मोटर को गया है उससे वो भी कनेक्ट कर दिए हैं, और इसे भी हम फुल टाइट कर देते हैं। तो हमारा ये पावर वाला जो सेक्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जब हम मशीन को ऑन करेंगे तो हमारा ये मशीन में लाइन चला जाएगा बिल्कुल। अब हम ये अपना सेमी ऑटोमेटिक मशीन में स्टॉप स्विच सीरीज में जो कि पॉइंट हमारा है तीसरा और चौथा पॉइंट, उसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो इसमें हम एक इसमें भी दो तार का टुकड़ा लगा लेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन जो है, ये हमारा स्टार्टर का जो स्विच ऑफ करने के लिए होता है, जी हाँ, जो मैं स्टार्टर का ये जो पॉइंट है स्टॉप करने के लिए, ये कनेक्शन इसमें जाएगा। तो इसमें हमारा सीरीज में जाएगा बिल्कुल। ये दो हमारा पॉइंट जो है इसमें से किसी एक को खोल लेना है, खोल के सीरीज में करना है। सीरीज मतलब कि जहाँ से हम पॉइंट खोले एक वहाँ पे तार जाएगा हमारा, और जो पॉइंट वहाँ से खुला है एक तार उसमें जाएगा। तो देखिए कैसे कनेक्शन होता है, इसे हम बढ़िया से टाइट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा स्टॉप स्विच का था, वो भी कनेक्शन हो गया है। जैसे हम लोग मोटर को ऑफ करते हैं, अब ये अपना ये मशीन ऑफ करेगा जब टैंक फुल हो जाएगा। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ बचा है हमारा लास्ट का सेक्शन जो कि टैंक में जाएगा। तो चलिए हम उसका भी कनेक्शन कर देते हैं। ये तार हम टैंक में ले जाएंगे, सबसे लास्ट वाला जो दो पॉइंट है वो अपना टैंक में जाएगा। तो इसे भी फटाफट कर लेते हैं। और बहुत से लोगों का
डाउट होता है कि सर करंट में आता है टैंक में क्या, तो टैंक में करंट बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि टैंक में करंट भी जाएगा। तो ये अपना जो सेंसर बॉक्स में आया था हम कनेक्शन इसमें करके और इसे हम टैंक में डाल देंगे, कनेक्शन बढ़िया से करके और उसे बढ़िया स्टेपिंग मार देंगे ताकि ये हमारे घर से बाहर रहेगा, तो इसमें कुछ पानी वगैरह का दिक्कत ना हो। तो हमने ये सेंसर को अभी टैंक में डाल दिया है और इस मशीन में जो स्विच है उसे हम ऑटो में रखेंगे, तभी हमारा जो है मशीन वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। तो जैसे ही टैंक फुल होगा ये अपना सिस्टम हमारा ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया लगाना।